गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम लता सक्सेना, योर हिंदी टीचर। वी आर स्टार्टिंग 14th चैप्टर, मेले का ऊँट। मेले के ऊँट के माध्यम से इस चैप्टर में लेखक ने राजस्थान के जनजीवन की झांकी प्रस्तुत करते हुए एक सटीक व्यंग किया है कि अब लोग अपनी संस्कृति व सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं, जिनके आधार पर मनुष्य ने प्रगति की। लेखक के अनुसार संपादक की दृष्टि गिद्ध की सी तेज होनी चाहिए। संपादक जी ने मेले में हुई व्यर्थ की बातों पर तो बहुत ध्यान दिया, जैसे कि मेले में दो पैसे में पूरी मिल रही है, या फिर शहर में एक पैसे की पूरी के दाम मेले में दो पैसे हों तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, चार पैसे भी हो सकते थे, यह देखने की बात थी। अपने उन्होंने व्यर्थ की बातों में तो बहुत ध्यान दिया, परंतु मेले के विचित्र जानवर की ओर उसका ध्यान नहीं गया। लेखक इन्हीं कारणों से संपादक से असंतुष्ट थे। संपादक ने मेले में एक दो पैसे से मिलने वाली पूरी और 1100 संतरों का एक पोस्टकार्ड, ये सारी चीज़ों के बारे में वर्णन किया, लेकिन जो वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को प्रकाशित कर रहा है या सभ्यता और संस्कृति को बता रहा है, उसकी तरफ लेखक का ध्यान नहीं गया। कुछ लोग ऊँट को देख, वहाँ ऊँट है जो, कुछ लोग ऊँट को देखकर हंस रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कलकत्ता में ऊँट नहीं होता, इसलिए मोहन मेले वालों ने इस विचित्र जानवर का दर्शन कराया है। पुराने समय में लोग ऊँटों की सवारी करके मीलों का सफ़र तय कर लेते थे, हल चलाकर खेतों में अन्न उगाने या चारा ले जाने के लिए या मीलों दूर से पानी लाने के लिए ऊँटों का ही इस्तेमाल किया जाता था। लोग ऊँट की घायल पीठ को देखकर घृणा की दृष्टि से जो देख रहे थे, तो वो ऊँट उनको बताते हुए कहता है कि ऊँट ने बताया कि जो तुम आज मेरी पीठ को देखकर घृणा की कर रहे हो या घृणा की दृष्टि से जो मुझे देख रहे हो, उसी पीठ पर बैठकर तुम्हारे पूर्वजों ने स्वर्गीय सुख को लूटा है। मेरी पीठ पर तुम्हारे पूर्वज अन्न रस्सियाँ उपले आदि लादकर मीलों दूर तक ले जाते थे। इस चैप्टर के माध्यम से लेखक ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम आज की विज्ञान और आधुनिकता की चकाचौंध में इतने खो गए हैं कि हम अपनी पुरानी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। थैंक यू।